दुश्मन जब हमला करता है तो कई जगह से करता है, कभी पानी से और कभी जमीन से, पर कभी कभी दुश्मन आसमान से हमला करता है। जब आसमान से दुश्मन हमला करता है उसको मार गिराने के लिए आर्मी एयर डिफेंस 24/7/365 तैयार रहती है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इन लोगों की ट्रेनिंग होती है। आइए, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने ये देखी, ZU-23 जू बोलते हैं इसको, और इस वेपन की आपने गंडल देखी किस तरीके से ऑफिसर्स और इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे लगे हुए थे और तैयारी कर रहे थे। मेरे साथ हैं मेजर प्रशांत सोनी। हम इनसे बात करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि गंडल क्यों ज़रूरी है और इस हथियार का क्या महत्व है। मेजर सोनी, आपका स्वागत है पेट्रियट में। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, टेल मी समथिंग मेजर सोनी, ये जो हथियार है ZU-23, ये तो पुराना हथियार है सर, काफ़ी टाइम से हमारे पास है। ये इतना कारगर हथियार है, इतना इफेक्टिव हथियार है, क्यों? अभी जो गन सिस्टम आपने देखा, जैसे बताया ZU-23 गन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रन का रेट ऑफ फायर। अच्छा। ये गन एक मिनट में तकरीबन 2000 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से फायर कर सकता है। एक मिनट में 2000 राउंड्स पर मिनट राउंड निकाल देती है। इसकी निकालने की क्षमता है। और दो बैरल है इसकी। दो बैरल इसके अंदर, दो बैरल हैं, दो आपके एम्यूनेशन बॉक्सेस हैं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों बैरल से या सिंगल बैरल से रिक्वायरमेंट के हिसाब से फायर कर सकते हैं। बेसिकली गन का एयर डिफेंस पर से मतलब है कि जिस तरह से प्रेजेंट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो जो रिएक्शन टाइम एक एडी गनर को मिलेगा एनिमी एयरक्राफ्ट को एंगेज करने के लिए बहुत कम होगा, इन सेकेंड्स। सो जो लड़ाई होगी वो सेकेंड्स की लड़ाई होगी, तो इसलिए वी वांट कि हमारे पास ऐसी गन हो जिसमें रेट ऑफ फायर करना बहुत तेज़ हो। सेकेंडली, आप जल्दी से जल्दी गन को फायरिंग पोजीशन में ला सकें। रेट ऑफ फायर यानी कि उतना फायर जितना एक मिनट में एक गन पे, एक गन से कितनी गोलियां एक मिनट में निकलने की क्षमता है, कितना फायर हो सकता है, उसको हम लोग रेट ऑफ फायर कहते हैं जी। अच्छा, ये जो वेपन है सर, ये वेपन आपने भी फायर करा होगा जी, आप इंस्ट्रक्टर हैं जी, करा। पहली बार जब ZU-23 पे आप बैठे थे और आपने ट्रिगर दबाया था, कैसी फीलिंग आई थी? पहली बार जब आप बैठते हो, एक ऑल टुगेदर नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एकेडमी में आप सिर्फ स्मॉल आर्म से फायर करते हो, सडनली आप एक गन को कंट्रोल कर रहे हो जिसका इतना हाई रेट ऑफ फायर है जी। तो वो बयान करना बड़ा मुश्किल है, पर बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया है। बिकॉज फायरिंग करने से पहले, उसको करने पहले आपको उस पर ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस पर ट्रेन नहीं हो सकते, आप फायर नहीं कर सकते, इफेक्टिव फायर नहीं कर सकते। सो जो ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाते हैं, सब कुछ करते हैं, जब फाइनल जब वो रिजल्ट मिलता है, तो उसमें एक बहुत ही अद्भुत टाइप की फीलिंग में महसूस होती है कि हाँ, हमने लाइफ में मतलब कुछ अचीव कर लिया। तो ये जो वायोज यंग ऑफिसर्स जो हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, ज़्यादातर ये लोग ट्रेन कर रहे हैं, इसमें फॉरेन आर्मीज के भी हैं, तो लोग इनको इस वेपन सिस्टम में ट्रेन करने के लिए कितना टाइम लग जाता है? इंडियन ऑफिसर्स, जब जो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, इनकी तकरीबन सर्विस 4-5 महीने की सर्विस पे आते हैं, तो ये बिल्कुल एज ए रॉ होते हैं, ये यंगस्टर ही हैं, यंगस्टर हैं बिल्कुल। तो इनको ट्रेन करने के लिए, बिकॉज इनको गन की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, सो इफेक्टिवली इसको ट्रेन करने के लिए आपको जू गन से करने है, तो आपको तकरीबन
15 से 20 दिन का समय चाहिए जिसमें आप इनको इस काबिल बना सकते हो कि ये गन को हैंडल कर सकते हैं। हैंडल कर सकते हैं, फायरिंग फिर भी नहीं करेंगे। फायरिंग करने के लिए इनको इसके बाद जब एक बार गन में हम सक्षम हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास फायरिंग रेंज है। फायरिंग रेंज में जाके हम इनकी रिहर्सल कराते हैं एरो मॉडल से कि इन कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इनकी डमी राउंड को कैसे हैंडल कर रहे हैं, गन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अल्टीमेटली कल्मिनेशन होता है इनका फायरिंग के साथ, जहाँ पे इनकी उस गन की वेपन सिस्टम की फायरिंग की जाती है। तो आप कह रहे हैं कि तकरीबन एक महीना लग जाता है। हाँ, पूरा अगर देखा जाए तो कम से कम मोटा मोटी एक महीना लग जाता है जब ये आप कह सकते हैं कि हाँ आप ये इसको चलाने में सक्षम हो गए हैं, अभी इंडिपेंडेंटली टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। एज एन ऑफिसर इसलिए इनको करा जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर ये किसी भी टाइम पे, क्योंकि इनमें से कई हैं जो इस यूनिट के नहीं है, जिनके पास ये इक्विपमेंट नहीं है, बट एज ए ऑफिसर आपको सारे इक्विपमेंट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम में कोई नहीं पूछेगा कि इक्विपमेंट आपको चलाना आता है नहीं आता। इसीलिए साथ में आपने देखा कि हर जू के साथ 5-5 लोगों की डेट थी, तो एक ऑफिसर को उन 5 बंदों का जो रिक्रूट्स हैं उनका काम करना पता होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी नंबर की ड्यूटी कर सके। इसीलिए इसको टाइम करने के लिए हम उसको सिंगल ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम उसको पूरी गन को कंट्रोल करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। तो एज ए इंडिविजुअल भी अगर ज़रूरत पड़े तो किसी भी को की ड्यूटी करके उसको उनको ट्रेन कर सकता है। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जिसके लिए हमने कोर्स को इस तरह से प्लान किया हुआ है ताकि इनका हर के हिसाब से करके ट्रेनिंग पूरी की पूरी हो जाए। किस कैलिबर का वेपन है ये 23 mm राउंड फायर करता है। 23 mm राउंड और इसी राउंड को दोस्तों हमने लगा रखा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इसी वेपन को डायरेक्ट फायरिंग रोल पे एनिमी के बंकर्स के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि 23 mm का राउंड 1600 राउंड पर मिनट, 2000 राउंड पर मिनट जब ये जाते होंगे और घुसते होंगे एनिमी की बंकर्स पे, तो कितना तहस नहस मचाते होंगे, कितना नुकसान पहुंचाते होंगे दुश्मन को। ये हमारे सामने दूसरा हथियार जो है इसको L-70 बोलते हैं। क्या है ये हथियार, इस हथियार की क्षमता क्या है, इस हथियार को चलाते कैसे हैं, इसकी गंड्रिल क्या है, ये इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। और हम अलविदा कहते हैं मेजर प्रशांत सोनी को, थैंक यू वेरी मच एंड इट वॉज इंडीड अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने जो बताया, थैंक यू। इंडियन आर्मी के पास कई इक्विपमेंट्स हैं और उसमें से एक है रडार, जो कि एक बहुत अहम इक्विपमेंट है जो जंग में लड़ाई के दौरान बहुत मदद करता है। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर वैद्या, सेना मेडल, जो हमें यह बताएंगे कि रडार की कितनी किस्में होती हैं, इंडियन आर्मी में किस किस प्रकार के रडार हैं और रडार के क्या काम आते हैं। कर्नल वैद्या, पेट्रियट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए कर्नल वैद्या हमें कि हमारे पास किस किस किस्म के रडार हैं एयर डिफेंस में। ओके, हमारे पास में बेसिकली दो टाइप के रडार्स होते हैं। एक हम कहते हैं अर्ली वार्निंग या लोकल वार्निंग रडार्स, और द सेकेंड टाइप इज फायर कंट्रोल रडार्स। मैं आपको पहले रडार के बारे में बताता हूँ। आपको जानना ये ज़रूरी है कि एडी की जो बैटल है, लड़ाई जी, ये सेकेंड्स का खेल है। जब दुश्मन का जहाज 250 से 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर उड़ता हुआ अपना मिशन करने के लिए हमारे एयर स्पेस 250 से 300 मीटर पर सेकंड सेकंड अच्छा, अगर इस स्पीड से हमारे एयर स्पेस के अंदर में आ रहा है और अपना मिशन वो करना चाहता है, तो एडी वॉरियर जिसने पूरे एयर स्पेस को डिफेंड करना है उसके पास में चंद सेकंडों की विंडो होती है। इस विंडो के अंदर में उसने टारगेट को कैप्चर करना है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना है, देखना है, अपने वेपन्स टारगेट की तरफ में लेके जाने हैं। ये ज़रूरी है उसको जानना कि दुश्मन है या दोस्त एक्चुअल, यानी कि IFF, और इसके बाद में अपनी मिसाइल या अपनी गन्स को इस्तेमाल करते हुए उसको हवा में बर्बाद करना। IFF जैसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो जी। सो ये पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उसके पास में कुछ सेकंड होते हैं जी। जितनी वार्निंग ज्यादा मिले उसे उतना ज्यादा आसान हो जाता है उसके लिए अपना काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुश्मन को जितना दूर पकड़े उस चीज के लिए हमारे पास में लोकल वार्निंग या अर्ली वार्निंग रडार्स होते हैं जी। हमारे पास में 2-3 किस्म के लोकल वार्निंग अर्ली वार्निंग रडार्स हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ रडार्स हैं जिसे हम कहते हैं फायर कंट्रोल रडार्स, ये फायर कंट्रोल रडार्स वो रडार्स होते हैं जो कि हवा में उड़ने वाले जहाज को आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी गन्स या मिसाइल्स को उस तक लेके जाएंगे। अच्छा, यानी कि वो ग्राउंड बेस्ड एडी वेपन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, बताते हैं कहाँ देखो, कहाँ पे फायर करो। ओके, सो ये मैं आपको दोनों किस्म के रडार्स के बारे में बताऊंगा जी, और ये रडार्स फंक्शन कैसे करते हैं जी, और एडी बैटल के अंदर में कैसे इनका रोल होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। रडार एक ऐसी चीज है जी जो
इक्विपमेंट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आकाश में छोड़ता है जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आकाश में कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे टकरा के वापस आती है, तो हम डिटेक्ट कर पाते हैं कोई टारगेट है जी। और इस टारगेट को फिर ये आइडेंटिफिकेशन और बाकी एनालिसिस के थ्रू गुजारता है। अच्छा, ये जो हमारे पीछे जो रडार है, यस, ये कौन सा रडार है? इसे कहते हैं रिपोर्टर रडार। ओके। और ये आर्मी के अंदर में, आर्मी एयर डिफेंस के अंदर में एक बहुत अहमियत रखता है जी। और इसके बारे में मैं आपको चंद लम्हों में बताऊंगा। कर्नल साहब, अब आपको ले जाएंगे इस रिपोर्टर रडार के बारे में जो बात करी है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आप सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, बड़ी जिसको कहते हैं कि ऐसी बातें हैं जो आपके लिए भी नई हैं और आपको भी पता लगना चाहिए कि किस तरीके से, जब कर्नल साहब ने बताया कि 300 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में आता है, तो एक एयर डिफेंस वॉरियर को कुछ चंद लम्हे, कुछ चंद सेकंड मिलते हैं, उसको ये पहचानना है कि ये क्या है, उसको ये पहचानना है कि ये जो है एयरक्राफ्ट, ये दोस्त है या दुश्मन है, और अगर दुश्मन है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। ये सब चंद सेकंड का खेल है, और ये खेल क्या है इस रडार के थ्रू, ये बताएंगे आपको कर्नल वैद्य। कर्नल साहब, द स्टेज इज योर्स, प्लीज। थैंक यू। ओके, हम अभी रडार के ऊपर में हैं। रडार के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो पार्ट है, ये एंटीना सब असेंबली है। अभी एंटीना फोल्डेड स्टेट के अंदर में है, यानी कि ट्रैवलिंग पोजिशन के अंदर में। जब ये ऑपरेशनल हालत में आएगा तो इसको हम खड़ा करते हैं, और उसके बाद में एंटीना अपनी फुली फंक्शनल स्टेट के अंदर में आ जाता है। यहाँ पर पावर असेंबली है, यहाँ पर डीजल जनरेटर सेट जो कि इस पूरे सिस्टम को पावर देता है। और फाइनली ये है कंट्रोल केबिन, और यहाँ कंट्रोल केबिन के अंदर में जो क्रू बैठता है वो अपने अंडर के जितने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं उनको, उनके ऊपर में टैक्टिकल कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, उनके साथ में कम्युनिकेशन करता है और अपने कार्रवाई को, मिशन को अंजाम देता है। हॉलैंड की ओरिजिन का ये रडार, रिपोर्टर रडार, आर्मी एयर डिफेंस के पास में एक बहुत ही उम्दा रडार है जो कि 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर में अपने पूरे वेपन सिस्टम्स और रडार्स के ऊपर में टैक्टिकल कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। टैक्टिकल कंट्रोल का मतलब है सभी रडार्स और सभी वेपन सिस्टम्स को कंट्रोल करना, उनके फायर को कंट्रोल करना, उनको बताना कौन दुश्मन है कौन दोस्त, यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, IFF करना, और टारगेट डेजिग्नेशन करना, यानी कि टारगेट अक्वायर करके उनको हैंड ओवर करना, ताकि वो चंद सेकंड के विंडो के अंदर में, लम्हों के अंदर में अपने मिशन को अंजाम दे सकें और दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर सकें। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे ऑपरेटर को, जो कि इस रडार की मदद से एंटायर 40 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर में जितने भी AD वेपन्स और AD रडार्स डिप्लॉयड हैं उनके ऊपर में टैक्टिकल कंट्रोल कर रहे हैं। आइए, वेपन सिस्टम्स यहां और यहां पे डिप्लॉय किए गए हैं, रडार सेंटर में है। जितने भी रेड से दिखाए जा रहे हैं ये दुश्मन के जहाज हैं, और जितने ब्लू से दिखाए जा रहे हैं ये हमारे खुद के जहाज हैं। बहुत जरूरी है हमें जानना, आइडेंटिफाई करना कि फ्रेंड कौन है, फो कौन है, हम, हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इस पूरे सिस्टम की मदद से और उसके साथ वाले कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से जितने भी AD वेपन सिस्टम्स इसके दायरे में आते हैं, इन सब के ऊपर में टैक्टिकल कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है, ताकि एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस लड़ाई लड़ी जा सके और दुश्मन की एयरफोर्स हमारे एयर स्पेस के अंदर में ना आए और वो अपना मिशन ना कर सके, हमारे एसेट्स को हम सुरक्षित रख सकें। टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स के बारे में जानने के बाद में अभी हम आपको बताएंगे कि फायर कंट्रोल रडार्स क्या चीज़ होते हैं। फायर कंट्रोल रडार, जैसे नाम से हमको समझ में आता है, ये AD वेपन्स के फायरिंग को कंट्रोल करता है। हमारे पास में आज के तारीख में जो सबसे अच्छा रडार है फायर कंट्रोल करने के लिए, वो है फ्लाई कैचर रडार। ये फ्लाई कैचर रडार हॉलैंड से हमने लिया था, और इसके बाद में बेल, दैट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर में अभी अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चर हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छा रडार है, उम्दा रडार है। जैसे नाम बताता है फ्लाई कैचर, तो उड़ते हुए पंछी को इसको पकड़ना इसके लिए बहुत ही आसान काम है। और ये हमारे AD वेपन्स जैसे कि L-70
और मिसाइल सिस्टम्स को ये कंट्रोल करने की काबिलियत रखता है। आइए देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है। फ्लाई कैचर रडार के अंदर में ये फाइटिंग कंपार्टमेंट कंट्रोल केबिन है जहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स हैं। रडार अभी फुली ऑपरेशनल कंडीशन में है और अब आपको ये दिखाएंगे कि एंगेजमेंट प्रोसीजर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बर्बाद करने के लिए किस तरह किया जाता है। टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स और फायर कंट्रोल रडार्स के बारे में जानने के बाद में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या तरंगों की लड़ाई। आजकल के युग के अंदर में और फ्यूचर के अंदर में और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है तरंगों की लड़ाई या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। एक बहुत ही प्राइमरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लड़ाई का जरिया होगा। तरंगों की लड़ाई क्या होती है? रडार यहाँ से तरंगे भेज रहा है हवा में और उसको पता चलता है कि हवा में कोई चीज़ है। जब ये तरंगे वापस लौट के आती हैं, क्या होगा जब हवा वाला जो जहाज़ है ये खुद भी तरंगे भेजता है और हमारे साथ में हमारी कार्रवाई के अंदर में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है? इसी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का नाम दिया जाता है। एडी कॉलेज के अंदर में हमारा मुद्दा ये रहता है कि हमारे ऑपरेटर्स, चाहे वो रडार ऑपरेटर्स हों, टैक्टिकल कंट्रोल के या फायर कंट्रोल रडार ऑपरेटर्स हों, ये फ्यूचर के साथ में इन सिंक हो और अपने कार्रवाई को ठीक तरह से करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जानकारी इनको भलीभांति हो। और इसी के लिए ये आपके सामने जो एस्टैब्लिश किया गया है ये है क्लासरूम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिमुलेटर, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं कि हर इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन बैटल को किस तरह बेस्ट लड़ सके। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल कमांडेंट, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर। सर, पेट्रियट में आपका स्वागत है। सर, थैंक यू गौरव, आपका स्वागत है आर्मी एडी कॉलेज में। सर, हमारा जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये एयर डिफेंस कहाँ से, एयर डिफेंस का जन्म हुआ सर, दुनिया में पहली बार वर्ल्ड ने एयर डिफेंस कब देखा और इंडिया में खासतौर से एयर डिफेंस कब आया सर? सिंपल टर्म्स में एयर डिफेंस मतलब कि अपने देश को, अपने आप को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाना, इस ऑपरेशन को एयर डिफेंस कहते हैं। तो हवाई हमले खाली हवाई जहाज से नहीं होते, आज के टाइम में बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। हवाई हमले जो है मिसाइल भी हो सकती हैं, यूएवी हो सकते हैं, रॉकेट भी हो सकते हैं। इन सब से अपने देश का, अपने राष्ट्र का सुरक्षा करना, ये एयर डिफेंस कहलाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एयर डिफेंस का जन्म हवाई हमले से पहले हुआ है तो आपको विचित्र लगेगा, पर यह है सच, ऐसा ही। तो जैसे कि 1870 की जर्मन फ्रेंच वॉर हुई, उसमें आप देखें सबसे पहले बैलून्स का इस्तेमाल हुआ एज मैसेंजर, मैसेज भेजने के लिए, और उसके अंदर गन्स को इस्तेमाल किया हॉर्स कैरेज में फिट करके कि गन्स को गिरा दिया जाए, मैसेज ना जा पाए। तो इस तरह देखें तो ईडी गन पहले बनी, एयर डिफेंस गन पहले बनी, हवाई जहाज का हमला बाद में हुआ। पर आप देखें उस टाइम पर ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो एयर डिफेंस ऑपरेशंस हैं, एक हवाई जहाज को गिराना बहुत मुश्किल है। और वो प्राइमरीली क्या है कि हवाई जहाज एक हिलता हुआ ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ नहीं है जी। उसको आप ऐसे नहीं है कि सीधा एम करके जहाँ पे आपने गोली छोड़ी थी या गोला गया वो वहीं पे रहेगा, आपका वेट करेगा। तब ये रियलाइज़ हुआ कि हमें एयर डिफेंस के लिए जो गन्स और वेपन सिस्टम है वो थोड़े अलग होने चाहिए, लंबी मार करने वाले हों, हाई वेलोसिटी के हिसाब से गोला जाए। ये सब रियलाइज़ के बाद फिर एयर डिफेंस के सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर तो जा करके आपको पता है एयरफोर्स का काफ़ी बड़ा रोल रहा था। बिल्कुल सर। और एयर डिफेंस वेपन्स का बड़ा रोल रहा जी। इनफैक्ट उस टाइम रियलाइज हुआ कि एयर डिफेंस वेपन्स में ये जो हम इस्तेमाल खाली गन से काम नहीं चलेगा जी। तब उनको पता लगा कि गन्स के अलावा हमें रडार चाहिए,
जल्दी पता चलना चाहिए जी हवाई हमला कहाँ रहा है. बहुत कम टाइम मिलता है एंगेज करने को, इसलिए जरूरी था कि उसका पहले से पता करें. राइट सर. सर्च रडार पता हुए उस टाइम, फिर ये लगा कि नहीं, हमें जो है टारगेट को लगातार ट्रैक करने की काबिलियत होनी चाहिए, इसलिए जो है ट्रैकिंग रडार आए. और सही पूछे तो जो है जब एंगेजमेंट करने लगे तो उनको पता लगा उस टाइम कि हमने अगर एक हवाई जहाज को भी मारना है तो ये खाली हवाई जहाज कहाँ है, किस स्पीड से जा रहा है उस पर ही नहीं है, विंड वेलोसिटी हवा की गति से भी गोले पर असर पड़ता है, गोला किस स्पीड से जा रहा है इससे भी असर पड़ता है, इन सब बातों का बहुत असर पड़ता है. तो ये उस टाइम सब ये फैक्टर करने हैं. और उस टाइम जो है आप जो है जब हवाई जहाज आ रहा है वो तो एक दो सेकंड का आपको रिएक्शन टाइम दे रहा है. बिल्कुल. उस रिएक्शन टाइम में आप कागज पेन लेके थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए जो है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल है इस तरह से. अब जो है आज जो एक सही एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, गन होता है, उसमें गन भी चाहिए, रडार भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, तब ज़्यादा एक्यूरेसी होगी. तो ये सब बातें वर्ल्ड वॉर टू में हुई थी. इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, हमारे भी हिंदुस्तान में भी एयर डिफेंस का जन्म एक तरह से कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर टू के टाइम ही हुआ था. ब्रिटिशर्स को खतरा था, जापानी एयरफोर्स से काफ़ी खतरा था उस टाइम, तो उनको भी चिंता थी. तो हमारे उस टाइम में 3 इंच गन होती थी वो थी, या L-60 गन थे वो लेके आए. और शुरू में आपको ताजु होगा, इनिशियली तो इन्फेंट्री यूनिट्स को कन्वर्ट किया गया AD यूनिट में. अच्छा सर. और जो है हमारे एयर डिफेंस जो है एयर यूनिट ने बड़ी बहादुर लड़ाई लड़ी उसमें वर्ल्ड वॉर टू में भी. और बल्कि दो तो विक्टोरिया क्रॉस विनर थे, दो अफसर थे हमारे, और दो JCOs थे, उनको OB से नवारा गया बहादुरी की वजह से. जो ग्रोथ आप कह रहे हैं आज़ादी के बाद, तो सर ये जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जो बढ़ावा मिला एयर डिफेंस को एज अ आर्म, एज अ डिफेंसिव वेपन जो कि सबको डिफेंड करे, सबको प्रोटेक्ट करे, इसमें AD कॉलेज का क्या योगदान है, और AD कॉलेज का, एयर डिफेंस कॉलेज का इतिहास क्या है सर? फौज में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और उस वो प्रिंसिपल है ट्रेनिंग का, सिद्धांत है ट्रेनिंग का. ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट आप जितना पीस टाइम में पसीना बहाएंगे ट्रेनिंग करके, उतना आप लड़ाई के टाइम अपना खून बचाएंगे, अपना ही नहीं अपने साथियों का, अपने यूनिट का, उनको उतनी ही कम कैजुअल्टी होंगी. तो इसलिए हमारे लिए फौज में जो मेन हमारा रोल होता है पीस टाइम में खासकर, वो अपने आप को लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रखना, ट्रेन रखना. और यही रोल हमारा ही कॉलेज करता है. लेकिन यह कि कॉलेज जो है ये रोल थोड़ा सा हमारे वायु रक्षा एयर डिफेंस के हिसाब से ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं. अब हमारे जैसे अब प्राइमरीली हम क्या देखते हैं, जब भी कोई ट्रेनिंग हम प्लान करते हैं तो हमारा जो बेसिक है, हमारी नींव जो है ट्रेनिंग की, वो इस बात पर डिपेंड है कि हम अपने सिपाही में क्या चाहते हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उस हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं. जब आपने एक हवाई जहाज को मारना है, और आज के टाइम में तो मिज़ाइल वगैरह को मारना है, तो आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम है, बहुत तेज़ी से कहाँ तेज़ी से काम करना है और तेज़ी से कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है. तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एक AD वॉरियर में फिजिकल फिटनेस अव्वल दर्जे की हो, मेंटल अलर्टनेस हो. वो जो है उस टाइम पे जब क्लटर है, कन्फ्यूजन है, हमला आ रहा है, उन चंद सेकंड में उसने सही ऑपरेशन करने हैं, सही डिसीजन लेने, आइडेंटिफाई करना, एंगेज करना. और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताता हूँ, जब आप जैसे मान लीजिए आप हवाई जहाज को एंगेज कर रहे हैं, आपने एंगेज किया, वो आपको मार रहा है, आप उसको मार रहे हो, आमने सामने हो, आपने मिस किया गोला आपको लगेगा करेची. तो ये तीन चीज़ें हैं, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड करेज. तो हमारी पूरी ट्रेनिंग इन आधार पे हुई है. और उसके बाद ये जब नॉलेज उन्होंने स्केल इक्विपमेंट को ऑपरेट कर लिया, ये एक्चुअली कितना अच्छा नॉलेज हासिल किया है, कितना उन्होंने उनको ट्रेन किया, अपने आप को अच्छा ट्रेन किया, फिर हम उनको रेंज पे ले जाते हैं. आपने देखा होगा फायरिंग रेंज है, सी वर्ड फायरिंग रेंज, वहाँ पे एक्चुअल टारगेट दिखाते हैं. हमारे अच्छे टारगेट है, आपने अगर देखे होंगे अगर बांछी वगैरह, अब रियलिस्टिक टारगेट है हवाई जहाज की तरह आते हैं, उनके ऊपर एंगेजमेंट उनको एक्चुअल फायरिंग करके ट्रेन कराते हैं. तो ये है बेसिकली एम है, हमें चाहिए सोल्जर रेजर शार्प स्किल, वो वाला है. एयर डिफेंस का रोल जो मैंने जितना पढ़ा है, 1971 में काफ़ी रोल था एयर डिफेंस का, लेकिन थोड़ी सर मैं आपसे जानकारी जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानकारी ये लेना चाहेंगे कि एयर डिफेंस ने 71 में क्या कमाल कर दिखाया, क्योंकि कहानियाँ मैंने सुनी हैं, लेकिन क्या हुआ क्या था एक्चुअली 1971 वॉर, विच वॉज इंडियन मिलिट्रीज फाइनेस्ट आवर सर, इससे बड़ी जीत हमने हासिल नहीं करी, वो क्या था AD का रोल सर? आपने बहुत सही इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए AD गनर, 71 का ऑपरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि हमने उस ऑपरेशन में बड़ा अच्छा रोल लगाया, हमने अपने देश की रक्षा के लिए बड़ा अच्छा एयर डिफेंस दिया, बड़े अच्छे बहादुरी से काम किया. 71 में आपको पता है 71 प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ किया था पाकिस्तान ने जी. और ये सब कन्वेंशनल लॉस में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, तो इसका मतलब सबसे पहला हमला हवा से आता है, तो सबसे पहली लड़ाई में ज्वाइन होने वाली AD यूनिट्स होती है.
हमें पीछे टाइम तैयार रहना पड़ता है, जिससे कि जल्दी से जाकर डिप्लॉयमेंट हो सके अपने एयरफील्ड्स पे, एम्युनिशन डंप पे, क्रिटिकल एरिया पे, फौज जो मोबिलाइज हो रही है उसके लिए, बचाव के लिए हम सबको डिफेंड कर सके। और 71 में आपको बताऊं कि हमारे जो है, हमने टोटल ऑपरेशंस में इतनी बहादुरी से कमाल किया था, 13 तो वीर चक्र थे। अमृतसर के अंदर जो है उनके ऊपर इतने हवाई हमले आए, हमले के बाद हमले, हमले के बाद हमले, वेव्स एंड वेव्स, और उन्होंने सारे के सारे हमले, ऑलमोस्ट 30-40 हमले सबको रिपल्स किया। और साथ में उन्होंने जो है 5 हवाई जहाज गिराए, उन्होंने तो पाकिस्तानी के कुछ पायलट और वो नेविगेटर को जिंदा ही पकड़ा था 27 AD में। हाँ, दे उन्होंने दे लड़ाई में 3 वीर चक्र प्राप्त किए। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि एयर डिफेंस का क्या रोल है, क्या महत्व है देश की रक्षा के लिए। जी, उसके बाद जो है हमने जो है देश ने, फौज ने AD को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। आप अगर देखें ये सब 71 के बाद ही शिल्का वेपन सिस्टम आए, हमारे क्वाड्रात वेपन सिस्टम आए, स्ट्रेला 2M आए, यू नो, और जू गन आई, ये सब 70s में आए। यस सर। और उसके बाद 80s में फिर हमने जो है अपने मैक फोर्सेस के प्रोटेक्शन के लिए उनको और मजबूत करने के लिए कि वो अपने खुल के बगैर हवाई हमले की चिंता किए ग्राउंड ऑपरेशन करें, दुश्मन पे हमला करें, उसके लिए फिर हमने और पोटेंट वेपन सिस्टम लाए। तो 71 जो है हमारे लिए, हमारे AD के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उसे बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वाटरशेड ईयर हो गया, वाटरशेड ईयर। सर आज आप देखें AD एक बहुत पोटेंट फोर्स है। AD जो है आप कह सकते हैं कि किसी भी अगर आम आदमी को या कोई भी, कि हमारे देश को हवाई हमले से बचाने के लिए हम पूरे निपुण हैं। और लोग कहते हैं सर AD वाले सोते नहीं कभी, 24/7 रहना पड़ता है, जरूरी है, जरूरी है, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। सर हम लोग नए नए वेपन सिस्टम्स इंडक्ट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, पूरी फौज में नए नए वेपन सिस्टम्स इंडक्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली जैसे कि देवलाली में ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर वाज देयर सर, K9 और अल्ट्रा लाइट हवाइड, इसी तरीके से सर क्या AD में भी नए नए वेपन सिस्टम्स इंडक्ट हो रहे हैं आज की तारीख में? बिल्कुल हो रहे हैं, नए नए वेपन सिस्टम भी इंडक्ट हो रहे हैं और जो पुराने हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। और क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि ये हवाई हमला जो चीज़ ऐसा है कि दुश्मन भी अपने अपने जो है नई नई चीज़ें इंडक्ट कर रहा है, लॉन्ग रेंज की मिजाइल से टारगेट करता है हमें, है ना, तो इसलिए उनको नाकाम करने के लिए, उनसे अपने आप को बचाने के लिए हमें भी नए नए वेपन सिस्टम चाहिए। हम चाहते हैं कि इससे पहले वो हमें एंगेज करें हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। आप ये भी जानते हैं कि आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का बहुत बड़ा महत्व रोल हो गया है, उसमें तो बता बेवकूफ़ बनाना चाहेगा लड़ाई के टाइम में, अपने आप को छुपा के नकली टारगेट देगा, हमें चाहेगा वो चाहेगा हम उसको ना कर किस तरह पकड़ पाएँ, पर हमने पकड़ना है। तो हमें भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है सिस्टम जो है वो भी नए इंडक्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे इक्विपमेंट हो रहे हैं और ये जरूरी भी है। यस सर, तभी आप कामयाब फोर्स रह पाएंगे। जैसे एयरफोर्स को सर अभी S-400 मिला सर, तो उसी तरीके से हमें भी आर्मी में भी कई नए सिस्टम मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही मिल रहे हैं, और कुछ हम सोचते हैं कि इन द नियर फ्यूचर वो इंडक्ट भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही। सर यहाँ पे मैंने देखा, हम लोग शूट कर रहे थे, मैंने देखा कि काफ़ी कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो फॉरेन स्टूडेंट्स सर जैसे अलग अलग यूनिफॉर्म्स, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, उसमें अदर रैंक्स भी शामिल हैं, और आ रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि आर्मी के काफ़ी इंस्टीट्यूशन में फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज़ के स्टूडेंट आते हैं, और सर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग दें, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो ऐसा है कि आज के टाइम में हमें जो रिलेशंस बनाते हैं विदेशों से, उस रिलेशन का एक अहम रिलेशन मिलिट्री रिलेशंस। जी, हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। यस सर। आपस में भरोसा होना चाहिए। जी, तो एक ये पहलू हो गया, मिलिट्री के अंदर भी होना चाहिए। यस सर, है ना। यस सर। और जो कंट्रीज हमारे पास आते हैं, जी, खाली हम उनको नहीं सिखा रहे हैं। जी, हम उनसे स्टूडेंट से कुछ सीखते भी हैं, उनके बारे में पता लगता है, उनके कल्चर के बारे में, उनके सोच विचार के बारे में, उनको हम आपस में अच्छी समझ होती है। तो यही सब मद्देनजर रखते हुए आर्मी में भी आपस में मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती हैं, हम भी जाते हैं बाहर ट्रेनिंग के लिए, बाहर भी आते हैं, तो ये आते हैं, हाँ वो हमारे बारे में सीखते हैं, हम उनको बताते हैं कि किस तरह से एयर डिफेंस होता है। आपको पता चलना चाहिए कि AD कॉलेज ये जो है खाली इंडिया का ही नहीं, ये आज जो है सोल्जर हमारा कॉलेज जो है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली प्रोमिनेंस पा रहा है एज ए प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट AD का। और जो है इस टाइम भी आपको देखेंगे इसमें खाली नेबरिंग कंट्रीज़ के नहीं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हमारे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये भी हैं, इसके अलावा और जो हैं हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के भी आते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ मिडल ईस्ट की, अफ्रीका से भी आते हैं, वियतनाम के हैं ये सब आते हैं, और इवन अफ्रीकन कंट्रीज से भी आते हैं, नाइजीरिया, कैमरून, सब इधर से भी आते हैं। तो ये जनरली ये कंट्रीज़ हैं जहाँ से ज़्यादातर ऑफिसर्स ट्रेनिंग करने यहाँ आते हैं, ऑफिसर ही नहीं, उनके जवान लोग भी आते हैं।
मैं ये जानना चाहता हूँ सर, एयर डिफेंस की इमर्जिंग थ्रेट्स क्या हैं सर, जो आप सोचते हैं कि आज से एक साल के बाद, पाँच साल के बाद, दस साल के बाद, पचास साल के बाद हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सुना है सर, यहाँ के ऑफिसर्स ने ये बोला है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी हो रही है या सिर्फ हम लोग वो मिसाइल को गिरा रहे हैं, एयरक्राफ्ट को गिरा रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग है, हम लोग फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल, तो इमर्जिंग थ्रेट्स हमारी क्या है यहाँ पर? हम नए कंसेप्ट इवॉल्व करते हैं एंड हम नए वाले जो कंसेप्ट जैसे इवॉल्व करते हैं उनका बेसिक जो फाउंडेशन है वो इसी पे है कि इमर्जिंग फ्यूचर थ्रेट क्या है, उसी को देखते हैं हम आगे हमें कैसे अपने आप को ग्रो करना है, कैसे बढ़ना है, यही हम करते हैं। तो अभी देखो, सबसे एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो थ्रेट थी पहले एयरक्राफ्ट से, पहले टाइम में, अभी क्या हो गया है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ गिनती है। थ्रेट ऐसी हो गई है कि उसमें आदमी को, पायलट को क्यों भेजना जी? और भेजना भी है तो दूर से भेजना है और ऐसा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ भेजना है कि उसको रडार पकड़ ना सके। तो अभी जो थ्रेट जो हमारे पास है वो ये है, एक तो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, दूर से दुश्मन हवाई हमला करेगा तो हमें भी लंबी मार तक के अपने हथियार चाहिए। दूसरा क्या है, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है, उसको रडार पिकअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसको काउंटर कैसे हम उसको पकड़ें वो है। पर जैसे मैं बता रहा था कि आज की थ्रेट, आने वाले टाइम की थ्रेट में पायलट का रोल हट रहा है जी। तो हमें थ्रेट हो रही है मिसाइल से जी। अगर दुश्मन जो है हम पे मिसाइल्स के लॉन्च कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और उनकी लॉन्ग रीच जो है बहुत लंबी है, रेंज ज़्यादा है, बड़ी स्पीड से आ रही है, टर्मिनल से बहुत स्पीड से आती है, ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स हो गए हैं, RPVs हो गए हैं, तो ये सब जो है इनकी थ्रेट बढ़ गई है। और इन सब के साथ जो है एक ऐसी थ्रेट जो इन सब में मिली हुई है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसके खिलाफ हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो हम पे कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए हम भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। कन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, वो हमें कन्फ्यूज करना पड़ता है, हम उसको ढूंढते हैं कहाँ है जी, है नहीं, और फिर पकड़ मारते हैं। तो ये जो नए, ये जो है नए नए थ्रेट्स जो हैं ये उभर के आ रही हैं, तो हमारे भी जो नए सिस्टम हैं या हमारे ऑपरेट करने के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन्हीं थ्रेट्स को ध्यान में रखकर ही खो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स गौरव, नाइस इंटरेक्टिंग, वेरी नाइस, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, ये जो आपने अभी फायरिंग देखी है, यहाँ पे इतने राउंड फायर हो गए, लगातार दोपहर से फायरिंग चल रही है, मेरे कान बिल्कुल अभी सुन हो चुके हैं। और मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक और फौजी से जो ये Zoo 23 गन पे लगे हुए थे, फायर कर रहे थे। देखिए अभी भी गन की बैरल फायरिंग को करीब 20 मिनट हो गए हैं, रुके हुए 25 मिनट, लेकिन ये बैरल अभी भी इसकी काफ़ी गर्म है। मेरे साथ हैं हवलदार राजीव यादव। हवलदार राजीव, आपका स्वागत है पेट्रियट में। थैंक यू सर। हवलदार राजीव, आप की नौकरी कितनी हो गई है? 21 साल चल रही है सर। 21 साल चल रही है आपकी, और आपकी यूनिट कौन सी है? लाइट एडी रेजिमेंट कंपोजिट मेरा यूनिट है। अच्छा, लाइट एडी रेजिमेंट के, तो कौन कौन से हथियार हैं हमारे पास? Zoo 23 mm गन, ये वाला हाँ, और इगला मिसाइल, इगला शोल्डर फायर्ड सैम जो है। यस यस सर। तो वो दो हथियार आपकी यूनिट में है सर। अच्छा, हवलदार राजीव, आपको कैसे प्रोत्साहन मिला कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करें? कैसे आपको, कहाँ से प्रेरणा मिली? सर, मेरे पापा भी फौज में थे। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड जनरेशन आप हैं सर? ठीक है, वेरी गुड। तो वो भी एडी में थे? वो भी एडी में थे। अच्छा अच्छा, तो उन्हीं से मेरे को ये सब कुछ गाइडलाइन मिली। अच्छा, तो आपने बोला आपने पिताजी को वर्दी में देखा और मन के अंदर जोश, मेरे अंदर भी जोश आ गया। अच्छा, तो हवलदार राजीव, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा का रहने वाला। कौन सी जगह? हरियाणा के रेवाड़ी। रेवाड़ी के? आपको पता है मेरी रेजिमेंट, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूँ, और मेरी रेजिमेंट की एक बहुत बड़ी लड़ाई मेरी रेजिमेंट ने लड़ी थी 1962 में, रिजांगला, सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो पूरे रेवाड़ी के काफी थे। रेवाड़ी के थे पूरे? हाँ जी। और वो एक रात में 113 शहीद हुए थे? हाँ जी हाँ जी। और रेवाड़ी का तो बहुत नाम है, और रेवाड़ी आपके जिले का, हमारी रेजिमेंट का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। अगर कोई रेवाड़ी का बंदा है तो जरूर 13 कुमाऊं के बारे में जानता ही होगा, रिजांगला के बारे में जानता ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानता हूं। बहुत अच्छे से ना, मैं बच्चे बच्चे को रेवाड़ी में भी पार्क बना है, रिजांगला पार्क। रिजांगला पार्क उन्हीं के नाम पे। उन्हीं के नाम पे ना, उन शहीदों के नाम पे सर। बहुत तगड़ी लड़ाई थी ऐसी, शायद लड़ाई लड़ी इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी नहीं हुई ऐसी लड़ाई जैसी रिजांगला की लड़ाई हुई थी। अच्छा लगा सुन के। आप एडी में आए क्योंकि आपके पिताजी एडी में थे, आपको वहाँ से एक जोश मिला उनको देख के वर्दी में, और आपने बोला मैं एडी में आता हूँ। कैसा लगा पहली बार जब आपने जू फायर करी? इंसास विंसास तो आपने फायर कर ली, वो तो छोटा हथियार है, बहुत बार, बट ये हथियार पहली बार फायर करा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज भी हमने फायर एंड मूव
और ग्राउंड टारगेट और नाइट फायरिंग भी किया है, बहुत अच्छा। ग्राउंड टारगेट थोड़ा सा आसान होता है ना, थोड़ा। हाँ, ग्राउंड टारगेट आसान होता है, स्टैटिक होता है, ग्राउंड टारगेट खड़ा हुआ है एक दो टोको उसको। हाँ जी, लेकिन जो ये आपका बैंशी उड़ाया था और बोला था कि फ्लाइंग टारगेट मारो, उसमें थोड़ा सा उसमें एंगेजमेंट का और डाटा सेटिंग का है, तो अगर वो सब कुछ प्रॉपर हो रहा तो बहुत अच्छा है। और हाई रेट ऑफ फायर गन का, हाई रेट ऑफ फायर है, 1600-2000 घर में कौन कौन है? घर में मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, वाइफ है, अच्छा बेटी है, बेटा है। और वहीं पे रेवाड़ी भी रहते हैं? गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं, रेवाड़ी के गांव में, रेवाड़ी के पास गांव है। अच्छा, और आप यहां पे किस लिए आए? कोर्स करने? कोर्स करने आया हूं मैं। कौन सा कोर्स? जू 23 mm ट्रूप लीडर कोर्स। उसके बाद क्या होगा, जब आप कोर्स क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको क्या फायदा होगा? मैं जब ट्रूप लीडर कोर्स कर लूँगा तो मैं एक लीडर के गुण उसमें मतलब मैं सीख पाऊँगा कि मैंने ट्रूप को कैसे डिप्लॉय करना है, उसमें हम लड़ाई में क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं मेरे को इनमें सर आप थोड़ा सा टैक्टिकल नज़र से किसी को चीज़ें प्लानिंग की नज़र से देख पाएंगे, किसी प्लानिंग कर सकते हैं हम लड़ाई के। अभी ऐसा है कि ठीक है, गन कैसे फायर करनी है, एमुनेशन कैसे लाना है, टारगेट कैसे एक्वायर करना है, अब ये, लेकिन इसके बाद जवाबदारी अलग हो जाएगी। फिर कंधे पे बोझ पड़ जाएगा सर, जब आपको करना है सर, आपकी जिम्मेदारी सर। और राजीव यादव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आप एक कोर्स को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करें, एक लीडर बने जो आप बनना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पिताजी भी आपको देख के बड़ा उनको खुशी होती होगी, मेरा लड़का घर वर्दी पहन के आया है, होती है ना सर? बहुत खुशी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत दोस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके। ये है जू 23 एंटी एयरक्राफ्ट गन, और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जसकीरत सिंह गुराया। मैं उनसे बात करूंगा, अभी ये वेपन ये फायर कर रहे थे, गन फायर कर रहे थे अपने पूरे क्रू के साथ, अपने कोस्टमेट्स के साथ। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये शेल है वैसे जू का, हम इन्फेंट्री वाले, हमें आदत नहीं होती इतने बड़े खोखे की, हमारे वेपन के खोखे तो इतने बड़े बड़े होते हैं पतले से। दिस इज सो जसकीरत, वेलकम टू पेट्रियट। या एंड ये जो वेपन है, हम लोग बाकी बातें बाद में करेंगे, जू 23, ये किस कैलिबर का वेपन है? सर 23 mm कैलिबर का प्रोजेक्टाइल है सर, जू गन में, और ये 2500 मीटर तक हवाई टारगेट को एंगेज करता है और 2000 मीटर तक ग्राउंड टारगेट को एंगेज करता है। अच्छा, और इसका सुना है रेट ऑफ फायर बड़ा जबरदस्त है, बड़ा हाई रेट ऑफ फायर, साइक्लिक रेट ऑफ फायर इसका 1600-2000 राउंड्स के बीच में है, और 1600-2000 राउंड पर मिनट सर, और सर्विस रेट ऑफ फायर है 400 राउंड पर मिनट। अच्छा, बट अगर आप फायर करने पे आए सर, आपने पूरा इसका ट्रिगर दबा के रखा, यू कीप योर फुट ऑन द ट्रिगर एंड लेट इट गो सर, सो 1600 से 2000 राउंड, दैट्स अ फेनोमेनल रेट ऑफ फायर, बहुत जबरदस्त रेट ऑफ फायर है इसका। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो बात हुई इस हथियार की सर, आपका कैसे मन हुआ फौज ज्वाइन करने का? बचपन से ही सर एक जज्बा था अंदर कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, एक जुनून था वर्दी का, वर्दी का नशा था, नशा पूरा हो गया ओटीए में आके सर। बिल्कुल, ओटीए में आके जब ओटीए के गेट्स के अंदर घुसे, और वो चेन्नई की, हमारे टाइम पे मद्रास हुआ करता था, चेन्नई की गर्मी जब लगी और पसीना आया सर, तो जोश जुनून कुछ कम हुआ नहीं सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, और बढ़ गया, और बढ़ गया सर। वेरी गुड, वेल सेड, वेल सेड। बड़ा सा गाइस, कैसी रही ट्रेनिंग? ट्रेनिंग टफ थी, काफी कुछ सीखने को मिला जी। व्हाट दे से, वी मेक मैन आउट ऑफ बॉयज, यस, दैट यू फील दैट डिफरेंस, अपने अंदर एक परिवर्तन, जो हम कॉलेज के बच्चे हुआ करते थे, और ट्रेनिंग के बाद जब एकदम से कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है, तो आपके पीछे इतने सारे बंदे हैं जो आपके कमांड का वेट कर रहे हैं, सुनेंगे, इट्स अ डिफरेंट हाई। एब्सोल्युटली, इट्स अ डिफरेंट हाई। तो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, आपने एयर डिफेंस चूज करा सर, आपको एयर डिफेंस मिला सर, और फिर आप यूनिट पर कमीशन हो गए जी। ठीक है, यूनिट की तो अभी आपका पूरा फौजी करियर आपके सामने पड़ा हुआ है, एंड गॉड विलिंग कई सालों तक यू हैव अ सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल करियर इन द आर्मी। वापस ले जाता हूँ ओटीए सर,
क्योंकि आपके मेरे बीच में भी क्या कॉमन है? OTA. फौज के अलावा OTA कॉमन है ना? कौन सी कंपनी के आप? सब बसंतर. बसंतर. Yes. बसंतर बाद में रेज हुई थी ना? यस सर. कब रेज हुई थी बसंतर? समर ऑफ 2012 सर. समर ऑफ 2012. बसंतर. ऑन द बैटल ऑफ बसंतर. यस सर. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी सर, जिसको पाकिस्तानी बैटल ऑफ बड़ा पिंड भी कहते हैं जी सर. बड़ी तगड़ी लड़ाई थी. ही गॉट द पीवीसी. यस सर. बाय द वे, सो इन हिज ऑनर बैटल ऑफ बस. आई एम फ्रॉम जसामी सर. एंड जसामी तो अभी भी होगी? बिल्कुल सर. है ना, शुरू में भी डाउटफुल कंपनी थी, आज भी होगी डाउटफुल. है ना, चैंपियन कंपनी सर. जसामी चैंपियन है? यस सर. व्हेन आई लेफ्ट इट वाज बसंता, नेक्स्ट कोर्स वाज जसामी. जसामी ना सर. जब तक हम थे हमने इंश्योर करा था कि जसामी चैंपियन कंपनी ना हो. स्टिल हैव द सेइंग सर, जसामी का जे दैट्स नॉट अ जे. अब एक बात बताओ, आपने OTA में जो ट्रेनिंग करी, आपके यार दोस्त कुछ इन्फेंट्री में गए सर, कुछ आर्टिलरी में गए, कुछ आर्मर्ड में गए, कुछ यू नो एडी में आ गए सर, राइट? कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि एकेडमी में यू डोंट गेट योर चॉइस. कोई बंदा आर्मर्ड के लिए ऑप्ट करता है, उसको नहीं मिलती सर, क्योंकि मेरिट में नहीं है. वैसे लोग कैसे डील करते हैं सर? इनफैक्ट आपने ये पॉइंट रेज किया, आई माई सेल्फ वॉज अ हार्ड कोर आर्मर्ड कोर ऑप्टी. अच्छा. बट नाउ कमिंग इन टू एडी में आके मैंने देखा है कि एज एन आर्म, दिस इज द आर्म ऑफ द फ्यूचर. जो आगे की लड़ाइयाँ होंगी, yes. जो हमारे आगे के दुश्मन आएंगे, हवाई, वी आर टॉकिंग अबाउट UAVs एंड मिसाइल्स. तो दिस इज़ दी आर्म जहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक बहुत रोल आता है, अहम रोल है. और लगभग अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सीरिया में, बाकी सब जगह पे, तो AD का एक खास रोल है काफ़ी. एंड इसी तरह से जो फ्यूचर आई बिलीव लाइज ओवर हियर. अच्छा, तो यू सेइंग यू ऑप्टेड फॉर आर्मर्ड, आपने आर्मर्ड के लिए ऑप्ट करा था, फिर कैजुअलिटी हो गया. अच्छा, मेरे साथ रिवर्स कैजुअलिटी हुआ. मैं ऑप्ट करना चाहता था 61st कैवलरी के लिए, आई वाज अ राइडर. तो मैंने काफी कॉम्पिटिशंस में और काफी लेवल्स पे मैंने हॉर्स राइडिंग करी. मैं शो जंपिंग करता था स्कूल में, खासतौर से. कॉलेज में इतना मौका नहीं मिला क्योंकि सेंट स्टीफन्स में हॉर्सेस थे नहीं, लेकिन मैं करता था. उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला एकेडमी में वापस वो राइडिंग का जुनून चढ़ा, तो वहाँ पे लोगों ने इनकरेज भी करा एकेडमी में. एकेडमी में जिसमें जो बंदा ठीक होता है उसको फिर वो उसके पीछे लोग लग जाते हैं, हाँ ये आगे जाएगा इसी में, इनकरेज करो इसको. तो मुझे इनकरेज करा. मेरा एक कोर्समेट है, ही इज़ नाउ अ कर्नल इन द आर्मी, उसका नाम है कर्नल अमरदीप सिंह बाली. बाली मेरा खास दोस्त, और एक है कर्नल AP सिन्हा, मेरे खास दोस्त. ये दोनों इन्फेंट्री ऑफ थे. इन लोगों ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करा कि तू भी इन्फेंट्री के लिए ऑफ यू ना एकेडमी में यारियों में हो जाते हैं उल्टे सीधे काम. एंड इन्होंने मुझे साफ सीधा बॉयकॉट कर दिया. इन्होंने बोला कि यू विल ऑप्ट फॉर इन्फेंट्री. आई सेड यार मैं 61st कैवलरी को ऑप्टी हूँ, आई वांट टू जॉइन 61st कैवलरी. मुझे पता भी नहीं था वैकेंसी है कि नहीं, मेरे मन में बात थी. सर नहीं, इफ यू आर अ फ्रेंड यू विल ऑप्ट फॉर इन्फेंट्री. देन आई सेड अगर मैं इन्फेंट्री में जाऊँगा तो मैं कुमाऊँ में जाऊँगा. माई फर्स्ट चॉइस वॉज कुमाऊँ, सेकेंड वॉज गुरखास, एंड आई थिंक थर्ड वॉज गढ़वाल और समथिंग लाइक दैट, बट फर्स्ट वॉज कुमाऊँ. सो आई सेड लेट मी गो टू कुमाऊँ. आई गॉट कुमाऊँ, आई वॉज कमीशन इन 17 कुमाऊँ. मैं 57 SS का हूँ जसामी कंपनी का. तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके. 24 साल निकल गए, अगले साल हम लोग अपनी सिल्वर जुबली करेंगे. आप लोग यंग हैं, आप लोगों का पूरा एक फ्यूचर है. हमारे आधे कोर्स को अब दिखाई नहीं देता बिना चश्मे के. तो लवली मीटिंग है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. दोस्तों, स्पीकिंग विद लेफ्टिनेंट जसकीरत सिंह गोरैया, ये मेरे अल्मा मैटर के हैं, OTA के हैं, और बात करके हमने पुरानी यादें अपनी ताज़ा करी, क्योंकि एक्सपीरियंसेस हम दोनों की एक ही हैं. हो सकता है कि हम में 22-23 साल का फासला हो, लेकिन एक्सपीरियंसेस हमारी एक जैसी हैं. और आज बड़ा अच्छा लगा इन सब यंग ऑफिसर्स को देख के, कोई L-70 चला रहा है, कोई ZU-23 पे है, एक्यूरेट फायरिंग करी, टारगेट को एंगेज करा इन लोगों ने. दोस्तों, दिस इज नॉट जस्ट एन ऑफिसर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द फ्यूचर ऑफ द इंडियन आर्मी. दोस्तों, मैं आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर में हूँ, और यहाँ पे हर कदम पे शौर्य और वीरता की कहानी आम है. आज मैं आपको एक और शूरवीर से मिलाना चाहता हूँ, जिसकी कहानी सुन के आपको भी वैसी महसूस होगा जैसे मुझे हुआ है. मेरे साथ हैं कर्नल BS पोसवाल, सेना मेडल. जैन सर. जय हिंद गौरव. सर, पहली बात तो सर, पेट्रियट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. थैंक यू. बड़ा अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन करा. दोस्तों, ये सेना मेडल है जो कर्नल साहब ने पहन रखा है, और ये कमेंडेशन कार्ड है. आप इसके दोनों के बारे में हम कर्नल साहब से सुनेंगे, और वो आपको अपनी जबानी सुनाएंगे कि उनके साथ क्या बीती और ये कार्रवाइयाँ कहाँ कहाँ करी उन्होंने. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल द COS कमेंडेशन कार्ड्स. ओके, सेना मेडल मुझे पहले मिला. अच्छा सर. और चीफ्स कमेंडेशन मुझे आपको बाद में मिला. हाँ जी. सेना मेडल ये एक्चुअली 1 फरवरी 1998 की बात है, और ये बात है डोडा की. सर, ये डोडा सेक्टर, डेल्टा फोर्स की बात है जी. तो मुझे कोई 6 महीने हुए थे RR बटालियन ज्वाइन किए हुए,
और एक दिन हमें इतला मिली कुछ मिलिटेंट्स के बारे में, तो अक्सर जिस पोस्ट पर मैं रहता था उस पोस्ट से कुछ हिल टॉप्स थी जो वहाँ से डोमिनेट करती थी और हमारे मूवमेंट के बारे में लोगों को पता चल जाता था। हम लोग हिले, उनको खबर मिली। हाँ, सो दो तीन बार जब हम किसी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के लिए जाते थे जी, तो मुझे लगता था कि हम मिलिटेंट से बस हर बार 5 मिनट पीछे रह जाते थे। अच्छा। सो इस बार हमने डिसाइड किया कि हमें इन लोगों को चकमा देना है, तो हमने डिसाइड किया कि सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, लेकिन जो रास्ता हमने चुना, जो हमारा जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी उससे हमने एक ऑल्टरनेट रास्ता पूछा और उस रास्ते से हमें कोई 6 घंटे लगने थे। सो हमने चूज़ किया कि 6 घंटे वाले रास्ते से चलते, क्योंकि हम इस बार इनको सरप्राइज़ करना चाहते थे। साथ में हमने रेडियो कम्युनिकेशन, जो अमूमन हम हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट देते हैं कि ऐसी खबर है, हम इस दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा भी अंदेशा था कि इस रेडियो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जाता है। तो हमारी पहाड़ी पे जिस पे पोस्ट थी उसके अपोजिट एक पहाड़ी पे दूसरी कंपनी की पोस्ट थी। वहाँ के कंपनी कमांडर को मैंने बताया कि मैं ऐसे जा रहा हूँ अपनी टुकड़ी के साथ और कुछ होगा तो मैं आपको इतला करूँगा, मैं रेडियो पे नहीं रहूँगा। हेडक्वार्टर को मैंने नहीं बताया, सिर्फ उनको बताया। उसके बाद हम चल पड़े ये दूसरे रास्ते से। रास्ता काफ़ी कठिन था, चढ़ाई थी, ऊपर जाके थोड़ी सर्दी भी थी, लगभग 1 फीट के करीब बर्फ़ भी पड़ी हुई थी, मौसम भी थोड़ा ख़राब था। तो करीब 1 किलोमीटर के लगभग हम कम रहे होंगे अपने टारगेट से जी। तब एक जवान की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। हम सब तरह से तैयार थे, लेकिन सडनली जब इस जवान की तबीयत ख़राब हो गई तो हमने इसको एक सुरक्षित ढोक में, एक गवाड़ी में बिल्कुल इसको बिठाया और मैंने 3 लड़कों को इसके साथ छोड़ दिया। लेकिन हमारी नफरी 4 कम हो गई जी। और क्योंकि टारगेट सिर्फ करीब 45 मिनट के करीब वहाँ से दूर था, तो हमने डिसाइड किया कि जो भी होगा उसके बाद जाते हुए इसको लेके चलें। इतना हम रिस्क ले सकते हैं, इतना हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 30-40-45 मिनट की बात थी बिल्कुल। बाकी मैं और मेरे साथ जो ये 11 जवान, तो उस टाइम हमने अपने आप को 2 टुकड़ियों में बांटा, 5 जवान मेरे साथ और 1 NCO के साथ मिला के 6 जवान दूसरी तरफ। हमें उस गाँव पे जहाँ से हमें अंदेशा था मिलिटेंट्स के होने का, हमने ऊपर से जाके उसको घेराव करना था, इन लोगों को नीचे से जाके घेराव करना। अभी हम करीब 100 ही मीटर चले होंगे जी, वहाँ पे हमने देखा कि कुछ थोड़ा सा सस्पिशियस मूवमेंट है, हल्का सा धुआं निकल रहा है उससे। सिखलाई के तरीके से 20-25 मीटर की दूरी रख के चल रहे थे, तो लगभग 100 मीटर के फैलाव में हम रहे होंगे। सो स्काउट ने जब उस घर के पास देखा तो एक बूढ़ी औरत घर के बाहर कोने पर खड़ी थी। जैसे ही उसने पूछा उससे कि माता जी क्या है, कोई है, तो वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई, चुप एकदम। तो हमें हमारी सस्पिशन और भी बढ़ी जी, लेकिन उसने ऐसे इशारा तो किया कुछ नहीं है, उसके पीछे एक मिलिटेंट था, उस बुढ़िया के पीछे एक मिलिटेंट था। उसको ये समझ में नहीं आया कि इसने मना किया है या हाँ किया है या डर में या कैसे भी जी, उसने फायर कर दिया पीछे से। लेकिन जैसे ही फायर किया 2-3 चीज़ें हुई, एक तो कन्फर्म हो गया कि मिलिटेंट्स हैं, दूसरा वो बूढ़ी औरत जो है जिस ट्रैक पर हम चल रहे थे उस ट्रैक पर आई और गाँव की तरफ चल पड़ी, तीसरा वो जो पहाड़ी के अपोजिट जो कंपनी कमांडर थे जिनको मैंने बताया था वहाँ खलबली शुरू हो गई जी। नाउ अभी जो इवेंट्स हुए वो सारे 40-50 सेकंड के अंदर हुए। जैसे ही इसने फायर खोला तो हमें पता था कि ये मिलिटेंट का ही फायर है, मिलिटेंट ने ही फायर खोला है। तो मैं बहुत नज़दीक था स्काउट के दूसरे नंबर पे, जो पिछले नंबर पे 3rd, 4th, 5th नंबर पे जो सैनिक थे उन्होंने इसके ऊपर फायर किया, लेकिन ये फायर खोल के भाग गया। विजिबिलिटी ज़्यादा बुरी नहीं थी, 70-80 गज की विजिबिलिटी थी जी। सो मैंने रेडियो ऑपरेटर को बुलाया और जैसे ही ये फायरिंग हुई रेडियो पे कॉल आनी शुरू हो गई सामने से, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसी फायरिंग टाइप करके। सो मैंने रेडियो सेट लिया और मैंने कहा ऑल ओके, विल कॉल आफ्टर 10 मिनट्स, एंड रेडियो सेट को मैंने स्विच ऑफ कर दिया, साइलेंस पे लगा दिया। सो रेडियो सेट ऑपरेटर से मैं बात कर रहा हूँ, स्काउट थोड़ा सा आगे है जी। सो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार इसके अंदर ग्रेनेड डालते हैं जी, जो अंदर होंगे बाहर निकल जाएंगे जी। और अगर एक सिविलियन सिर्फ बुढ़िया ही थी जी, वो तो निकल गई, बुढ़िया निकल गई। तो ये ऑपरेटर जो मेरा बड़ी भी था कहता साहब रिस्क है, नीचे से गोलियां मारेंगे, कच्ची छत है। मैंने उसकी अनसुनी कर दी बात, दबे पांव से मैंने 2 स्टेप लिए और ग्रेनेड निकाल के उसकी चिमनी में डाल दी। उनमें से एक समझदार मिलिटेंट ने उसने ऊपर बस्ट मारा जी, छत के थ्रू गोलियां निकली जी, 2-3 गोली निकली होंगी। ग्रेनेड फटने के टाइम पे ये लोग बाहर भागे, 3 मिलिटेंट्स थे, तीनों बाहर भागे अपनी तरफ से, वो अलग अलग दिशा में भागने की कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से पीछे फायर करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस 30 सेकंड में मैंने भी इनके ऊपर फायर खोला, स्काउट ने भी फायर खोला, अगले भी बंदे पोजिशन में थे, और इससे पहले ये सेकेंड जंप कर पाते तीनों मिलिटेंट थे। सो और जो नीचे से टोली जा रही थी
छः बंदों की जो टोली थी वो अभी तक इस पोजीशन में नहीं आए थे कि इसकी स्टॉप करके इसका पोजीशन ब्लॉक कर लेते कि इफेक्टिव स्टॉप लगा सके इफेक्टिव स्टॉप लगा सके लेकिन उन्होंने फायरिंग तो सुन ली थी तो उन्होंने भी अपनी पोजीशन सीखे हुए तरीके से जो पोजीशन पकड़ते हैं आर्ट पकड़ते हैं उन्होंने भी पोजीशन पकड़ी बिल्कुल लेकिन इसकी खुशकिस्मती समझिए कि ये उनके कॉर्डन में नहीं फंसा मैंने देखा कि और कोई हरकत नहीं है इसके बाद हमने यकीन किया कि भाई ढोक के अंदर और कोई मिलिटेंट नहीं है सो उसके बाद मैंने रेडियो सेट खोला रेडियो सेट पे पूरा कोलाहल मचा हुआ था पूरा हल्ला हो रखा था मतलब काफ़ी लोग सीओ साहब लाइन पे थे जी तो ही सेट कहाँ हो तुम तो आई गेव द एरिया कि जनरल एरिया यहाँ पे है क्या हुआ कैसे हो तो मैंने कहा सर ऐसे करके एक इंट थी और मिलिटेंट से इनकाउंटर हुआ और तीन मिलिटेंट्स हमने मार दिए हैं और अपने पार्टी बिल्कुल ठीक है किसी को कोई नुकसान नहीं इसे नहीं एक बार चेक कीजिए कि किसी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा मिलिटेंट्स के कागज़ वगैरह आप देखिए इनका आई कार्ड वगैरह साथ लेके चलते हैं सो वाइल वी वर ब्रेव हम मतलब बहादुरी से डिसीजन ले रहे थे एंड एक ना जब आप डिसीजन लेते हो तो सोच के नहीं ले पाते बिल्कुल सर है ना इंस्टिंक्टिव डिसीजन होते हैं सो गट फीलिंग बिल्कुल वो सिक्स सेंस आपको बताती है कि ये ग्रेनेड डाल दो ये फायर कर दो अगर शायद हम वक्त जाया करते उनको घेरने में तो मुश्किल हो जाता उनके लिए भी कंफ्यूजन ही था कंफ्यूजन था उनके सो बाद में बड़ी सराहना हुई इस ऑपरेशन की कि कैसे शॉर्ट टीम में ऑपरेट करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं रेडियो साइलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है सरप्राइज की क्या इंपॉर्टेंस है वैली में तो तवज्जो स्मॉल टीम कांसेप्ट पे दी जाती है सर वही तो सीखते हैं ये छोटी छोटी बातें जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं जिनको हम बहुत सिखलाई में सिखाते हैं लेकिन इतने सादे से तरीके से हमने इसको अमल में लाए और अच्छी सफलता हासिल मिली अच्छा सर ये तो हो गई सर सेना बैटल की कहानी एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन यूनिट में वो तो एवरीथिंग होता ही है सर वो तो एवरीथिंग फॉलोस सर अब चीफ्स कमेंडेशन सर अच्छा चीफ्स कमेंडेशन जो था ये ऑफ विजय के दौरान जी अभी हमारी बटालियन डोडा सेक्टर से सूरनकोट सेक्टर में चले गए रोमियो फोर्स में चली गई थी सूरनकोट सेक्टर में और हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर के आसपास की हाँ ऑफ विजय के टाइम में कारगिल पे पूरा तवज्जो देश का कारगिल पे था पूरा मीडिया कवरेज सब कुछ कारगिल पे था लाइन ऑफ कंट्रोल पे बट उस टाइम जो एक्चुअल रेगुलर बटालियंस थी इन्फेंट्री बटालियंस उनको रिलीव करने के लिए आरआर बटालियंस को रिलोकेट किया गया जब हम सूरनकोट में आए तो सूरनकोट की हालत काफी नाजुक थी सूरनकोट की हालत कई सालों तक नाजुक रही उस टाइम पे तो बहुत नाजुक कुछ ही टाइम हुए थे मेरे को वहाँ पे गए हुए तो मेरी जो कंपनी थी उसको आरओपी का टास्क दिया कि ये 10 किलोमीटर की स्ट्रेच में आपने रोड ओपनिंग पार्टी लगाना है और एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं था सो हमने लगा दिया आरओपी सो मैं एक पिकेट के पास था डे ब्रेक से पहले भोर से पहले के वक्त की बात है मेरे को नेबरिंग जो पिकेट है वहाँ से वीपीएस पे हमारे रेडियो सेट पे एनसीओ ने बताया कि साहब कोई हरकत हो रही है जैसे ही मैं वहाँ के लिए चला एक बर्स्ट फायरिंग हुआ नेवरदिलेस मैं पहुँच गया उस विकेट में सर मैंने पूछा उससे मैंने कहा साथी बताओ क्या हुआ कहता साहब वहाँ पे हरकत देखी मैंने और मैंने फायर किया तो मैंने कहा मिलिटेंट का हरकत था कहता साहब झाड़ी हिला था ऐसे करके और हरकत था वहाँ हो सकता है दिखता भी नहीं है सर दिखता नहीं एंड विजिबिलिटी वॉज बैड बिल्कुल विजिबिलिटी वॉज बैड सो मैं इसके साथ गया और हम उस लोकेशन पे जाके देखने की कोशिश की हमने टॉर्च वॉर्च जला के थोड़ा सा कि क्या था हरकत तभी मेरे को एक राउंड मिला एंड वो राउंड था यूएमजी का अच्छा सर यूएमजी का राउंड था सर तो यूएमजी का राउंड देखते ही मतलब स्थिति बदल गई हाँ सर तो मैंने कहा यार उधर से भी कुछ फायर आया था कहते हाँ सर दो तीन राउंड फायर हुए थे किसका फायर था कहता साहब कुछ समझ में नहीं आया लेकिन फायर था उधर से ऑटोमेटिक फायर था अभी हम उस पिकेट के जो चार लोग जी उनमें से वही मेरे पास वहाँ पे बस अच्छा हम चार लोग हमने देखा कि जहाँ वो पिका का राउंड उसका यूएमजी का राउंड पड़ा था जी वहाँ पे कुछ स्लिप मार्क्स थे पैर के स्लिप मार्क्स फ्रेश स्लिप मार्क्स हमने कहा यार ये पक्का फायरिंग भी हो गई कंफर्म हो गया कोई ना कोई मिलिटेंट था फुट मार्क्स भी हैं और फुट मार्क्स भी जी तो हम उसी बहाव में मैं कहूँगा या जोश में या उत्तेजना में या जुनून में हम करीब 50-60-70 मीटर नीचे चले गए अभी 60-70 मीटर जाके सिचुएशन ऐसी थी कि आप अपनी टुकड़ी से हो गए अलग हो गए आप जंगल के बीच में हो जी सो जब हम करीब 80 मीटर के करीब नीचे आ गए और साइड में एक नाला चल रहा था वहाँ पे हमने देखा कि एक आदमी या औरत कोई एक अपना फिरन पहने हुए बैठी थी वहाँ और बैठा था ठीक है सर तो अब हमें सस्पिशन हुआ हमें पूरा आइडिया नहीं था कि गांव का भी कोई आदमी हो सकता है कोई औरत भी हो सकती है तो मैंने इनको मैंने अपना पोजीशन पकड़ के एक पत्थर के पीछे जी हिम्मत करके उसको बुलाया कौन है वहाँ
ये भी डर लगता है कोई सिविलियन ना हो कहीं सिविलियन का लग गया तो देन यू टू लिव विद इट फॉर योर लाइफ मतलब यू नो उस टाइम अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए बिल्कुल सर उसी पोजीशन से अच्छी तरह मजबूत हालत में जी मैंने तेज से चिल्लाया मैंने कौन है वहां सो ये बंदा 6'4" का दाढ़ी अफगान सर अफगानी लड़का सर तगड़ा लड़का सर एंड ये टर्न बैक करके और धर करके इसने पूरी इसने बर्स्ट हवा पूरी इसने बर्स्ट मारी हवा सर अब हम भी तैयार थे अब जैसे ही इसने बर्स्ट मारी सर हमने भी फायर की सर अभी हम चारों उस टाइम पोजीशन में नहीं थे मतलब गौरव मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि लक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ सोल्जर जी यहाँ पे हमने दोनों ने ट्रिगर एक साथ दबाया मतलब मैंने भी फायर किया उसने भी फायर किया अच्छा और जिस पत्थर के साथ में पड़ा हुआ था जिस खड़ा हुआ आड़ पकड़ा हुआ था मैंने उस पत्थर पे लगभग इसका बर्स्ट लगा अच्छा और उस पत्थर के टुकड़े उड़े हवा में मतलब कुछ चेहरे पे छोटे छोटे वो उड़े उसकी धूल छोटे छोटे कंकर पत्थर के टूट के गिरे जी एंड इसको स्क्वायरली बिल्कुल चेस्ट में बर्स्ट लगा अच्छा और ये वहीं पे गिर गया ढेर हो गया सर ढेर हो गया लेकिन जैसे ये क्या कहते हैं गोली चली दोनों तरफ से एक नाले के उस पार पहाड़ी के ऊपर से फायरिंग भी अच्छा सर एक करीब 40-50 मीटर नीचे दूसरे मिलिटेंट ने फायर किया अभी मेरी समझ में आई कि सिचुएशन क्या है और एक्चुअली मुझे डर लगा बट बात फिर वही घूम फिर के कि मुझे पता है ये हैं बट इन्हें नहीं पता हम कितने हैं बिल्कुल बट फिर भी हमने ये डिसीजन लिया जी कि यार हम जंगल के बीच में हैं सड़क से हम 100 मीटर दूर हैं जी और इस पोजीशन को सिक्योर करते हैं नाउ जब ये गिर गया नीचे इसके साथ में एक RPG लॉन्चर रखा हुआ था RPG थी इसके पास RPG लॉन्चर लेके बंदा बैठा हुआ था जी शायद ये दो के ग्रुप में चल रहे थे जब हम नीचे आ रहे थे कॉन्वॉय पास मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनको एग्जैक्ट टाइम पता था कि कॉन्वॉय कब निकल रहा है जी हमें नहीं पता था लेकिन इनके सूत्र इतने मजबूत थे सूरनकोट में ये हालत थी कि इन्हें एग्जैक्टली पता था कि अगली ये 10-15 मिनट में जो है कॉन्वॉय पास होने वाला है एक जो इसका साथी होगा शायद जो भागा उसकी UMG जो जिसकी हमें गोली भी मिली थी वहाँ पे वो मिली इसका पर्सनल वेपन मिला और इसके पास कम्युनिकेशन सेट और करेंसी और वो सब कागजात वो सब चीज़ें जो मिलिटेंट्स के पास मिली वो सब चीज़ें हमें मिली लेकिन हमने इस सर्च को फिर आगे फॉलो नहीं किया और इमिडिएटली बटालियन हेडक्वार्टर में कॉल किया कि हमें थोड़ा सा रीइन्फोर्समेंट भेज दीजिए और एनकाउंटर हो गया है और भी मिलिटेंट्स हैं इलाके में अगर शायद मिलिटेंट्स को पता होता कि ये सिर्फ चार ही हैं और उनकी तादाद मेरे ख्याल से उस टाइम जो सुरनकोट में मिलिटेंट्स घूमते थे वो 12-12, 15-15, 20-20 के ग्रुप्स में तो हमें घेर के बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर सकते थे सो उस हद तक बहादुरी का श्रेय हमारे ग्रुप को जाता है एक टाइम पर तो सर वहाँ पे इनफैक्ट पूरे JNK में ये खासतौर से जम्मू वाली बेल्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं फिर आप हम लोग पीर पंजाल के उस तरफ और इस तरफ ये FTs जो थे फॉरेन टेररिस्ट जो थे वो इतने ज़्यादा थे अफगानी भी बहुत आते थे और एक और बात मैंने देखी है गौरव कि जब आप कहीं अंदेशा होता है मिलिटेंट्स का खबर मिलती है आपको जी जब किसी घर को या उस इलाके को आप चारों तरफ से बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से घेर लेते हो जी तो एक्चुअली वो उसके लिए डेस्परेट सिचुएशन हो जाती है मिलिटेंट के लिए फिर वो बड़ी बहादुरी से लड़ता है लेकिन जब तक उसके पास एक एग्जिट रूट रहता है एक तरफ से वो खुला रहता है तब तक मेरे ख्याल से मिलिटेंट मिलने के ज़्यादा चांस है हाँ सर जैसे आपने बोला कि सोल्जर के लिए लक बहुत बड़ी चीज़ है सर लक बहुत वो समय क्या दिमाग में आता है लक बहुत एंड यू डोंट प्लान बाय डिज़ाइन सर वो थोड़ी बहुत जो अपने सर टैक्टिक्स आपने करी अपने इस्तेमाल करा आपने बोला स्टॉप लगाऊंगा थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क हमारी सिखलाई में शामिल है हाँ सर थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू जैन सर थैंक यू